कटनी बरवारा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में सरकारी शिक्षक अमान सिंह ने गरीब परिवार की जमीन पर कब्जा कर चोरी चोरी रजिस्ट्री करवा ली और जमीन मालिक चुटिया बाई को इसका पता ही नहीं चला। वहीं चुटिया बाई की लड़की ने अपने खेत पर चना की बुवाई करवाई हुई थी कि उसके एक महीने बाद गांव के ही एक शिक्षक ने जाकर उसी खेत पर गेहूं बो दिया। इसका विरोध करने पर चुटिया बाई पर शिक्षक व उसके लड़कों ने हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल कटनी में चल लगा है। लिहाजा इसकी सूचना पीड़िता ने बरवारा थाने में दी, लेकिन पुलिस द्वारा उसे डांट डपट कर भगा दिया गया, जो कि जमीन चुटिया बाई के पति दादू सिंह के नाम पर है और इनका स्वर्गवास हो गया है। अभी उनकी खारी भी नहीं उठी थी कि गांव के दबंग ने अधिकारियों से साथ गांठ कर फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या घटना हुई? फूल सिंह के नाम पे जमीन थी और उसमें चोरी छिपा रजिस्ट्री हो गई, किसी को पता नहीं चला। इसके बाद उसमें ट्रैक्टर चला, हम चना उसमें बोवा दिए थे। चना बोने के बाद डेढ़ माह का चना हो गया था। चना होने के बाद उसमें ट्रैक्टर चलाकर गेहूँ बो दिए गए। हमको किसी प्रकार से सूचना, किसके द्वारा गेहूँ बोए गए थे? अमान सिंह मास्टर गेहूँ बो दिए, उसमें मैं चना बोवाई थी। चना बोवाने में मेरी माँ बात भी बात होने लगा, मेरी माँ कुछ बोली होंगी, तो उसी में लाठी भूसा और से मार दिया गया। उसमें 5-6 लोग मिलकर, ये घटना हुई है 2 तारीख को। 2 तारीख जी, कहाँ पास की? ग्रामी मलिया। कितने लोग मारे? उसमें 5-6 लोग मारे। क्या क्या नाम रहा उनके? नाम उनके नाम अमान सिंह मास्टर, लड़के का नाम भूपेंद्र उपेंद्र और डीरू धानीलाल चौधरी। जिनको मारा उनका नाम क्या है? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी सिंह, मेरी उमा है जिनको मारे, मैं उनकी बेटी। कहाँ से आप आए? ग्रामी मलिया बड़वारा थाना।